इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर है। अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति के लिए 50 राज्यों में मतदान शुरू हो चुका है। चुनाव के शुरुआती नतीजों में जहां हिलेरी ने दो जगह बाजी मार ली है, वहीं न्यू हैम्पशायर में डोनाल्ड ट्रंप की भी जीत हुई है। हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को डिक्सविले नॉच में 4-2 से हराते हुए जीत दर्ज की है। वहीं अब डिक्सविले के बाद हॉट्स लोकेशन से भी हिलेरी क्लिंटन ने बाजी मार ली है। हिलेरी को यहां 17 वोट मिले हैं, जबकि ट्रंप को 14 वोट मिले हैं। वहीं न्यू हैम्पशायर में डोनाल्ड ट्रंप ने 32 वोटों के साथ जीत हासिल कर ली है। यहां हिलेरी को 25 वोट मिले और अभी भी कई जगहों से रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें कभी हिलेरी क्लिंटन आगे दिख रही हैं तो कभी डोनाल्ड ट्रंप आगे दिख रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ जहां पहली महिला राष्ट्रपति बनने की रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी से हिलेरी क्लिंटन है, तो वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिकी कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो हिलेरी सभी को एक मंच पर लेकर चलना चाहती है। आपको बता दें कि हिलेरी पूर्व विदेश मंत्री, अच्छी अधिवक्ता और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी है। काफी वक्त से वो राजनीति में सक्रिय हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं, जो अपने लोकतांत्रिक अधिकार के चलते राष्ट्रपति की दौड़ में आए हैं। मौजूदा चुनाव से पहले ट्रंप का देश की किसी पार्टी से सरोकार नहीं रहा है और ना ही वह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता किसी से कम नहीं। तो कौन होगा अमेरिका का बिग बॉस, हिलेरी क्लिंटन या फिर डोनाल्ड ट्रंप? किसे जनता पहनाएगी राष्ट्रपति का ताज, इसका फैसला आज सबके सामने होगा। अमेरिकी चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टीवी लाइव।